Dear students, today we are going to start chapter number 16, Water a Precious Resource. सबसे पहले तो यहाँ पे आप पहली स्लाइड में एक पोस्टर को देख रहे हैं, है ना। हमारा जो वर्ल्ड वाटर डे होता है वो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर आप लोगों को याद हो तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स एवरी ईयर वी कंडक्ट ऑन द वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। और उसमें आप कई सारे जो है पोस्टर्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, स्लोगन्स बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, आपका एक सबसे पहले स्लाइड में एक पोस्टर दिखाया हुआ है जो कि आपका डिपिक्ट कर रहा है कि सेव वाटर, हमको वाटर सेव करना है, ठीक है। और ये सारी की सारी एक्टिविटी कौन कर सकते हैं, भाई ह्यूमंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्लांट आपको नज़र आ रहा है, कैक्टस का प्लांट नज़र आ रहा है। कैक्टस जो है वाटर का कंजम्पशन नहीं कर रहा है, करता है। तो कैक्टस का प्लांट जो है बोल रहा है ह्यूमंस को कि आप जो है वाटर को कंजर्व कीजिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो कि बहुत जगह अब शॉर्टेज या वाटर क्राइसिस हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और धीरे धीरे अगर हम लोग लापरवाही करते रहेंगे, ह्यूमंस जो हैं अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे जो वाटर हमको अभी 24 आवर्स मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं आज की डेट में भी जो कि वाटर जो है बहुत कम अवेलेबल है लोगों को, शॉर्टेज ऑफ वाटर इज़ ओवर देयर, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द सीजन ऑफ समर सीजन आपका वाटर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स विच इज नोन एज वाटर। सो नाउ देखिए, पूरी की पूरी स्लाइड में आपको कुछ ना कुछ जो है क्या मिल रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ स्लोगन्स मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको पोस्टर्स नज़र आ रहे हैं। तो अगला देखिए, आपका जो पोस्टर है वो बता रहा है, स्लाइड में जो पोस्टर है वो बता रहा है, एडजस्ट योर वाटर बिहेवियर टू द सीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सीज़न के हिसाब से वाटर के कंजम्पशन को कंट्रोल करना चाहिए, ह्यूमंस को एज़ पर द जो सीज़न है उसके हिसाब से वाटर कंजम्पशन को कंट्रोल करना चाहिए। अब जैसे गर्मी के सीज़न में हर किसी को पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, वहीं पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे भी पानी का जो है सोर्स बहुत ज़्यादा रहता है, अवेलेबल रहता है, व्हाट वी डू, वी टेंड टू यूटिलाइज इट मोर, हम उसको वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है उन तक वाटर की क्राइसिस हो जा रही है, वहाँ पे पानी पहुंच नहीं पा रहा है, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू एज एन इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बींग, व्हाट वी शुड डू, वी शुड एडजस्ट आवर वाटर बिहेवियर टू द चेंजिंग सीजन। नेक्स्ट आप देखिए, एक और आपको स्लाइड दिख रही है, सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड। तो ये सारी डिफरेंट स्लाइड्स अवेलेबल हैं, तो डिफरेंट जो पोस्टर्स मैंने यहाँ पे डाले हैं वो आपको एक रिव्यू अप करने के लिए कि क्यों हमको वाटर की आवश्यकता है, कैसे आप लोग पोस्टर्स बनाते हैं, कैसे अपने इम्पोर्टेंट रिसोर्स को हमको जो है संभाल करके रखना है, जिससे आगे आने वाली जनरेशन को भी पानी प्रॉपरली मिले। तो अब यहाँ पे आप ये देख रहे हो सोर्सेज ऑफ वाटर करके एक स्लाइड, तो हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हमको पानी मिलता है, कौन कौन से हो गए भाई, सबसे बड़ा सोर्स तो रेन हो गया, रिवर, पॉन्ड, लेक, ट्यूबवेल, स्प्रिंग, हैंडपम्प, ये सारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है कि हम इस पानी को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यूसेज ऑफ वाटर कहाँ कहाँ पे, हम वॉशिंग में, बैथिंग में, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग में यूज़ कर रहे हैं, हम पानी का जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ करते हैं, हम पानी को एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, पानी को हम कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में यूज़ करते हैं, एंड ऑल दीज यूजेस टेल अस कि वाटर इज़ असेंशियल रिसोर्स फॉर आवर लाइफ, ठीक है। तो पानी का कंजम्पशन जो जनरली हम लोगों के घरों में होता है, हमारे वॉशरूम में सबसे ज़्यादा 74% जो है पानी का कंजम्पशन होता है, किचन्स में आपका 5% के करीब होता है, क्लीनिंग में हम लोग 21% के करीब जो है वाटर का कंजम्पशन करते हैं। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट जो है वाटर कंजम्पशन का परसेंटेज बता रखा है इस स्लाइड में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
को लेकर के हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या अवेलेबिलिटी हमारे अर्थ पे, कितना वाटर अवेलेबल है और हमको कितना वाटर, क्या क्राइटेरिया है, कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट हम लोगों की एज अ पर्सन होती है वाटर की पर डे. सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड. थैंक नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.